हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट मोल फ्लो एनालाइज करने वाला है। जैसे आप ये कंपोनेंट देख रहे हो, इसकी हम कंप्लीट मोल फ्लो एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में मोल फ्लो एनालाइज करते समय जो जो इंटरव्यू में मोल फ्लो में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और कैसे कैसे सेंस करते हैं उस फेलियर्स को, हम कैसे सारा चीजें आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बेसिकली जो मोल फ्लो की कंटेंट्स होती है, कंटेंट्स में जो जो क्वेश्चंस होती है, जैसे आप लोग की मेल फ्रंट टाइम क्या होती है, एयर ट्रैप कैसे डिफाइन करते हैं, एयर ट्रैप को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, वेल लाइन कैसे होता है, गेट कंट्रीब्यूशन कैसे देते हो, गेट डिसाइड कैसे करते हैं, प्रेशर डब कैसे होता है, प्रेशर टू पीपी स्विच ओवर कैसे होती है, क्या स्ट्रेस कैसे होते हैं, शेयर रेट से क्या फर्क पड़ता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लीनियर श्रिंकेज होती है, लीनियर श्रिंकेज होता क्या है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे, वेल्डिंग एंगल क्या होते हैं, बल्क टेम्परेचर क्या होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, फ्रोजन लेयर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें होता क्या है, फॉर्मेशन स्ट्रेस कैसे रहेंगे, हम उसकी कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, क्या क्या पैरामीटर देखना पड़ा है, आज वो सब चीजें हम बताने वाले हैं और उसको हम बना के दिखाने वाले हैं। मोल फ्लो में कैसे मोल फ्लो करना है, जिसको भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिसको भी ये फाइल वगैरह चाहिए तो अपना मेल आईडी जो है कमेंट में डाल दे, जैसे भी 10-15 हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने मेल आईडी वहाँ पे डाल दिए थे, फाइल डाल दिए थे, तो इतना रिक्वेस्ट आ गई कि मेरा अपना मेल खोल नहीं पा रहा, बहुत सारा रिक्वेस्ट मतलब बहुत जमा हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप लोग को मेल आईडी जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना है, जैसे भी मेल खोल हो, लगभग 10-12 मेल हो जाएंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो जिसको भी क्लास वगैरह लेना है तो क्लास ले सकते हैं, इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देता हूँ, मोल फ्लो का भी देता हूँ, इंजेक्शन मोल्डिंग का देता हूँ, मोल बजट का भी देता हूँ, हर तरीके से क्लासेस अवेलेबल है, प्रोडक्ट डिजाइन के भी मिल जाएंगे। तो आपको नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे अट्रैक्टिव ऑफर वगैरह भी चल रहा है, वो आप पता कर सकते हो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ से कब से क्लास स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, पूरा लास्ट तक देखना है, कुछ भी कंटेंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मिस कर दोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेसिकली जो मेरा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट एक बार मैं आपको रफली दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा जो कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, एक नया कार आया है उसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा पार्ट में आइटरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे फिटिंग के लिए हम यहाँ पे दे रखे डॉग हाउसिंग वगैरह बना रखा है, ठीक है। डॉग हाउसिंग के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मटेरियल जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने यहाँ पे ऐड करा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉकिंग के लिए अलग सा पोजिशन वगैरह है, पिंस वगैरह है। तो यहाँ पे ये देखना है जो मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे हम पहले जो मोल फ्लो करते हो तो देखना है गेट लोकेशन कहाँ है। तो मेरा यहाँ पे जो गेट लोकेशन आ रहा है इस एरिया में दूंगा, और यहाँ पे ऊपर अलग से एक प्लेट है जिसके थ्रू यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा ये, ठीक है। ये कंपोनेंट है बेसिकली। तो कंपोनेंट, सबसे पहले आपको कंपोनेंट को एनालाइज करना है, ठीक है। जब भी मोल फ्लो के लिए जाते हो तो पहले कंपोनेंट को एनालाइज करना है। और हम एक चीज और है, हम मोल फ्लो में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, हम जो मोल फ्लो होगा इसमें हम देखेंगे मेल फ्रंट टाइम क्या आ रहा है, गेट कंट्रीब्यूशन क्या है, वेल लाइन कहाँ आ सकते हैं, एयर ट्रैप कहाँ हो सकते हैं, शेयर स्ट्रेप कहाँ जनरेट होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेस से क्या हो जाती है, अगर मेरा शेयर स्ट्रेप यूनिफॉर्म नहीं है तो उसकी वजह से मेरा क्या होता है, वर्पेज वगैरह जनरेट होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या आ रहा है, ठीक है, मेल फ्रंट टेम्परेचर क्या आ रहा है, मेरा फिस्कोसिटी के क्या चक्कर आ रहा है, तो हम इसमें सारा चीजें देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको भी क्लास वगैरह लेना है वो क्लास ले सकते हैं, इसी तरीके से मैं क्लास वगैरह देता रहता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन से लेके मोल्ड डिजाइन, मोल्ड हर चीज कराता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, जो आज कराऊंगा मैं मोल्डेक्स 3D में कराऊंगा, मोल्ड पार्ट की वैलिडेशन करेंगे, जो भी कंपोनेंट बनाते हो ना इसकी वैलिडेशन करना पड़ता है, जब भी आप मोल्ड फ्लो के लिए ले जाते हो या मोल्ड डिजाइन के लिए ले जाते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरा मोल्ड पार्ट क्वालिटी है और जो मॉडल क्वालिटी है दोनों में चेक करूंगा। चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्ट करके कंपोनेंट को एग्जीक्यूट कर देना है। इससे क्या काम होता है, मतलब ये हम क्यों करते हैं, करने के लिए, और इसको करने के लिए आपको पार्ट को जो है प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे एनएक्स का क्या होता है, खुद का जो है अपना एक डाटाबेस होता है, जो डाटाबेस में आपकी जो पार्ट है ना उसको चेक करेंगे, पार्ट में ड्राफ्ट सही है, ठीक है, पार्ट में अंडरकट कहाँ कहाँ है, पार्ट में जो भी टेस्ट होंगे पार्ट को एक बार एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। उस रिपोर्ट में आपको पता होंगे कि पार्ट ठीक है, जा सकता है, कहीं पार्ट में थिकनेस का प्रॉब्लम है ना, कहीं पे फेलियर आ रहा है, कुछ सरफेस में एरर है, तो हर एक चीज़ें यहाँ पे आप डिटेल करके देख सकते हो कि मेरा पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, इसको होने देते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट आने में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो बोल फेडरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्राफ्ट एंगल जो है यहाँ एनालिसिस हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको मोड में जाके डिटेल में देख सकते हो,
मोर डिटेल में आपको सारा डिटेल मिल जाएंगे, कहाँ पे टेस्ट हो रहा है, क्या है ये पास्ट विद इन्फॉर्मेशन है ना, कहाँ पे कितना ये इशू आएगा सब देख सकते हो। मॉडल क्वालिटी जो आपकी क्वालिटी है वो भी आप चेक कर पाओगे, मॉडल क्वालिटी में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। टू फर्स्ट में जाके आप एक एक चीज़ें चेक कर सकते हो। अंदर कक्ष में आप जा सकते हो, क्या अंदर कक्ष है, कहाँ का अंदर कक्ष एंट्रेंस है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे एक एक आइटम में आप क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है अंदर कक्ष में, ये वाला जो एरिया है इसको मैं अभी कैसे ठीक करूंगा मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से होता है, जहाँ पे एनालाइज करता है इसको पता नहीं चलता है कि हाई फेसेस जो है यहाँ पे अंदर कक्ष दिखा रहा है, बट अंदर कक्ष एक्चुअल में है भी नहीं भी है। मतलब कुछ पर्सन जो है कोर में चला जा रहा है आपका, यहाँ पे आप देखोगे कुछ पर्सन आपकी कैविटी में चला जा रहा है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, उसको आपको कैसे ठीक करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। ग्राफ आप देख पा रहे हो, मॉडल क्वालिटी देख पा रहे हो, सारा चीजें ओके है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ तक हो गया मेरा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उसको जो मेरा अंडरकट वाला एरिया है उसको कैसे ठीक करना है वो दिखाता हूँ मैं। देखो कोई भी, जैसे आप कोई भी पार्ट बनाते हो ना, जैसे मोल्ड फ्लो में जाते हो तो बहुत सारा पैरामीटर आपको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेटेरियल ज्यादा है तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा इसके जो फ्रोजन लेयर रेशियो होता है ना वो क्या होता है। फ्रोजन लेयर रेशियो मतलब होता क्या है, यहाँ पे मैंने मेटल ज्यादा यूज करा है, देखोगे आप यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है, मेटल ज्यादा है तो यहाँ पे जो फ्रोजन लेयर होता है ना वो हो सकता है। फ्रोजन लेयर रेशियो अगर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मेटल का अलग अलग थिकनेस है। जैसे मैं वहाँ पे वॉल थिकनेस में आपको दिखाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे वॉल थिकनेस में मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं पहले एक एक करके करते हैं, पहले उसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इसको फिलहाल देख, इसकी डायरेक्शन हमेशा जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब जिस तरह से पार्ट मोल्डिंग ओपनिंग डायरेक्शन है उस तरफ होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा, तो कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेंगे। जैसे मैं आपको वॉल थिकनेस के बारे में बता रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेंगे कैलकुलेट होने में, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रोजन लेयर में क्या होता है, जहाँ पे मेटेरियल ज्यादा होता है ना तो उसमें क्या होता है दो लेयर होता है, ठीक है। दो लेयर मतलब क्या होता है, एक होता है सराउंडिंग लेयर और एक होता है आपका जो इनसाइड लेयर होता है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस होती है। तो फ्रोजन लेयर होता है ना जो थिकनेस ऑफ द जैसे आउटर थिकनेस है उसकी लेयर, और जो आपका आउट जो इनर सरफेस है ना, जो आपके फ्रोजन लेयर के इनर सरफेस है उसको हम जो मेरा थिकनेस होती है ना पार्ट से उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम जो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर आप मैन्युअली निकालोगे तो ये बता रहा हूँ मैं, जो मेरा टी ए हो जाएगा ना वो ऊपर सरफेस हो गया टी ए, इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ अपर साइड का जो ऊपर सरफेस का है, और उसका जो नीचे वाला फेस है ना वहाँ होगा टी बी, मतलब थिकनेस ऑफ लोअर सरफेस का, ठीक है, फ्रोजन लेयर का। और जो बीच का होता है ना टोटल जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं एल, तो हम क्या करेंगे टी ए प्लस टी बी करके एल से डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि रेशियो निकाल रहा हो तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस केस में। तो वो जो निकलेंगे ना आपका रेशियो वो होगा आपका फ्रोजन लेयर रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऑटोमोबाइल पार्ट की एनालिसिस करते हो, मोल्ड फ्लो करते हो, तो ये सारा चीज़ आपको डालना पड़ता है। अगर किसी को कैलकुलेशन के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आई डी डाल देना, क्योंकि वो पीडीएफ जो है मैं भेज दूंगा, जिस पीडीएफ से मैं आपको करा रहा हूँ, जो पीडीएफ मैं बना के रखा हूँ अलग अलग से मोल्ड फ्लो करते समय। अगर वो मोल्ड फ्लो करते समय वो पीडीएफ आपके साथ रहेंगे तो आप आराम से मोल्ड फ्लो कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे, इसको होने देते हैं, फिर मैं दिखा दूंगा जो अंदर कट है उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद जो है हम रीजन्स में जाएंगे। रीजन के जाने के बाद इसको मैं सिंपली एनालाइज कर दूंगा। एनालाइज करने में जो कोर एंड कैविटी होगा वो आपको ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड फेसेस है, जैसे कि क्रॉस ओवर फेस, ठीक है। एक होता है क्रॉस ओवर वर्टिकल फेस, क्रॉस ओवर रीजन फेस, अननोन फेस। अननोन फेस हो गया आपका जो अंदर कक्ष में आती है, वर्टिकल फेस हो गई जिसमें ड्राफ्ट नहीं है, इसमें ड्राफ्ट ओके है तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। क्रॉस ओवर फेस में होती है जिस लाइन जो है पार्टिंग में पड़ता है, लेकिन कुछ सर्टेन एरिया कोर में होता है, कुछ सर्टेन एरिया कैविटी में होता है, बस यहाँ पे सॉफ्टवेयर एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस फेस को हम जो है यहाँ पे लेके इसको हम डाल देंगे कोर में। आप इसको पार्टिकुलरली इस फेस को एनालाइज करके कौन से एरिया कोर में है स्प्लिट करके उसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस खाली फेस को जो है कोर में लेके इसको एनालाइज कर रहा हूँ। जैसे एनालाइज करूंगा मैं यहाँ पे सिंपली करके, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस वाले एरिया को मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होगा तो आप तब तक आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। जब जीरो हो जाएंगे तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो मेरा सारा जो पार्ट है यहाँ पे एनालिस हो गया है। उसके बाद देखेंगे हम इसकी वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बोला फ्रोजन रेशियो के बारे में बताया मैंने आपको, है ना। तो वो इसलिए जरूरी है कि आपको सारा चीजें देखना पड़ेगा, जो फ्रोजन लेयर रेशियो होता है वो होता है क्या है, क्या काम आता है, वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीजें हम जैसे हम लोग क्या करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालते हैं, है ना, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, उसकी मोल्टिन कोर निकालते हैं, मेल्ट फ्रंट टेम्परेचर निकालते हैं। तो इस केस में जो जितना भी इसकी टेम्परेचर होता है ना, जो वॉल थिकनेस होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आपको इसलिए जो है इसकी हम वॉल थिकनेस पहले एनालाइज कर लेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, हम वो देख सकते हैं। और एक जैसे हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस जो होता है ना वो यूनिफॉर्म में जो जहाँ पे अन यूनिफॉर्म थिकनेस होता है ना, तो वहाँ पे स्ट्रेस जो है जनरेट होता है, आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको देखना है कि स्ट्रेस कहाँ जनरेट हो रहा है। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वार पे आने का चांसेस ज्यादा होता है, मतलब वार पे वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो आपको वो भी देखना है कि शेयर कहाँ पे हो रहा है, आपको ये भी देखना है मेरा शेयर रेट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, शेयर रेट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आपको शेयर रेट भी देखना पड़ेगा। अब शेयर रेट क्या है उसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं एक उसकी जो है शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा जो है सिंगमार आने का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एरिया में सिंगमार आने का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है थोड़ा सा देख पा रहे हो आप, है ना। इस केस में आपको जो है, और उसके बाद हम देखेंगे फीलिंग में क्या डिफरेंस पड़ रहा है, फीलिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद एयर वॉच कहाँ आएंगे, एयर वॉच को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, है ना। तो सारा चीजें हम शॉर्ट फीलिंग कहाँ पे हो सकता है उसके बाद अब दिखाऊंगा अभी मैं आपको, जो भी चीजें है उसके बारे में हम बात करूंगा। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, जहाँ पे हेसिटेशन कहाँ होती है, कोई भी गेट की वजह से हेसिटेशन कहाँ पे होगा, ओवर पैकिंग क्या हो रहा है, शॉर्ट फीलिंग में आप क्या कर सकते हो, अगर हम फेस रिट्रैक्ट हो रहा है, फेस रिट्रैक्ट इफेक्ट आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इसको इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल ठीक है, मैंने पता लग गया मेरे ये वाला एरिया जहाँ जहाँ मतलब मैंने डॉग हाउसिंग वगैरह लगाया उस एरिया में थोड़ा सा रेड आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं इसकी मोल्ड के ऊपर, जो इसकी गेट लोकेशन देंगे। गेट लोकेशन मुझे पता है मुझे यहाँ पे गेट देना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी गेट देते हो ना तो ऐसे पॉइंट वो सिलेक्ट करके गेट मत देना। ठीक है, इसमें क्या होता है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि गेट डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है कि नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। आपको सिलेक्ट करना है, इसे फेस में सिलेक्ट करके क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसके बाद इसको 0-0 कर दो आप। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम जो है इसको 0-0 कर देंगे। 0-0 करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट ले लेगा, उस पॉइंट में जो है आपकी गेट आ जाएंगे। ठीक है, गेट आ गया आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको ओके कर देना है। अप्लाई करोगे तो यहाँ पे और एक विंडो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, आपको विंडो जनरेट नहीं करना है, आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसमें टाइम लेने के बाद यहाँ पे जो मोल्ड्रिक सीरी है उसकी जो वर्कबेंच है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसी ने नहीं डाला होगा तो डालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मोल्ड फ्लो का कराता हो ना तो मैं उसमें दे देता हूँ, उसके लिए क्या क्या सही है अलग से एक थोड़ा सा कुछ सीरी इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें। ठीक है, और देखो अब जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा माउस कर्सर आपको घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एनालाइज कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। अभी देखो जो गेट है ना वो आपको यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब गेट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो गेट कंट्रीब्यूशन होता है, तो गेट कंट्रीब्यूशन आपको रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस बिफोर लॉन्चिंग दम, ठीक है ठीक है, इसको ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम में आपका ये अलग सा वर्क बेंच आ जाएगा। आपको यह देखना है प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, गेट कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको देखना है गेट कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो। देखो मोल्डेक्स 3D में जो एनालिसिस सेटिंग होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो मेरा मोल्डेक्स 3D का डाटा बैंक है तो वहां से मैं डाल सकता हूँ, डाटा बैंक से डाल सकता हूँ। मैं मेटेरियल एबेस ले आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम डाल रहा हूँ, मैं ईवर का डाल रहा हूँ। ठीक है, ग्रेड नेम जो है मैं ये गला ग्रेड नेम डाल रहा हूँ, ये तो मेरा ऑलरेडी था। अगर मुझे खुद से बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना, यहाँ पे फाइंड कर दूंगा ना पॉलीमर, कौन सी पॉलीमर लूंगा, मैं ABS में ले रहा हूँ, प्रोड्यूसर का नाम नहीं, मतलब मैं यहाँ पे फाइंड कर दूंगा ना, तो ABS में जितना भी है अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास है, मैं यहाँ पे सर्च करके जितना भी इसकी डाटाबेस है वहाँ डाटाबेस से मैं फेलोस पुट करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेंगे इसको आने देते हैं, तो अलग से एक पॉपअप नया से ओपन होगा, तो पॉपअप से भी ले सकते हो। अगर आपको पता है कि मैं मुझे किसका लेना है, मुझे किसका यूज करना है, तो मैं वहां से भी पार्टिकुलर यूज करता हूँ, क्योंकि तो मैं जो ज्यादातर जो यूज करता हूँ ना, इसका मैं यूज करता हूँ। आ गया ना आपका, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रेड नेम क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है जिसका भी ग्रेड चाहिए। ठीक है, मुझे ABS का अगर स्टाइलोशन लेना है तो स्टाइलोशन का कौन सी प्रोड्यूसर बना रहा है, MFI इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा MFI इंडेक्स मिल जाएगा, फिलर क्या आ रहा है, डेंसिटी कितना आ रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से भी आप ले सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आपको, अगर कोई बंदा जिसके लिए कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हो, तो वहाँ पे सारा चीज़ें मेंशन है तो टैच ओके, अगर नहीं है तो यहाँ से आपको वैल्यू लेना पड़ेगा, सारा चीज़ें आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ से आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ से यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डालूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ उसके बाद जो है अगर मुझे खुद से बनाना है तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऑलरेडी बना के रखा हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो इम्पोर्ट करूंगा नहीं क्योंकि मैंने बना नहीं रखा है, मेरा ऑलरेडी बना रखा हो, बट मैं यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ कुछ चीज़ हम बना के रखते हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो तो नहीं कर पाऊंगा मैं फिर भी। तो यहाँ पे आप कैसे करना है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो होता है फिलिंग सेकंड, फिलिंग सेकंड में क्या होता है देखो, तो फिलिंग सेकंड होता है सबसे पहले मैं देखो क्या क्या चीज़ें आपको जानना होता है यहाँ पे, तो हम फिलिंग सेकंड में जितना है उतना रहने देते हैं। मेल टेम्परेचर जो है 230 है, अराउंड 200 से लेकर 240-250 तक जाना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर नहीं। मोल टेम्परेचर 70 है, यहाँ पे हम जो 70 रख रहे हैं, और इंजेक्शन प्रेशर जो है 155 का रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मेल टेम्परेचर कहीं पे 250-260 होते हैं, मैं यहाँ पे ABS यूज कर रहा हूँ, और जो फिलिंग है 1.7 सेकंड का अराउंड रख रहा हूँ, और यहाँ पे मोल टेम्परेचर 70 है, ठीक है, 70-80 अराउंड होता है ABS में, और ठीक है मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर ही है, ठीक है, कोई छुट्टी है। उसके बाद जो है यहाँ पे कभी कभी जो अब आप अगर मान लो आप ऑटोडेस्क इन्वेंटर में अगर चलाना आता है तो उसमें बता रहा हूँ, ऑटोडेस्क इन्वेंटर में आप करते हो ना तो उसमें आपका अलग से जो पॉपअप आएंगे उसमें आपका अलग से आएंगे फैमिली नेम आएंगे, ट्रेड नेम आएंगे, उसकी मैन्युफैक्चर का नाम आएंगे, लिंक कहाँ से मिलेंगे, अगर फैमिली एब्रेशन क्या आ रहा है, इसमें मैं ABS ला रहा हूँ, ABS कौन सी है, एमोरफेरस में यूज करूंगा, डाटा सोर्स कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या क्या टेस्टेड आ रहे हैं ना, मेटेरियल आईडी के मेटेरियल आईडी भी डालना पड़ेगा आपको, मेटेरियल आईडी इसकी ट्रेड कोड क्या है, मान लो मेरा मेटेरियल आईडी जब मैं ABS का यूज कर रहा हूँ स्टाइरोलोशन का है ना, तो मेरा ट्रेड नेम है तो नवडोर का यूज कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं मेटेरियल आईडी डालूंगा, मुझे याद है मतलब करते करते मुझे याद हो गया 150042 का अराउंड आता है वो, तो ग्रेड कोड डालना पड़ेगा CM115042 उसकी ग्रेड कोड आता है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर कोड कौन है, कौन सी सप्लायर यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद मोल सरफेस टेम्परेचर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा इंजेक्शन टाइम क्या आ रहा है, किलिंग कितना आ रहा है, होल्डिंग क्या कंट्रोल कितना डाल रहा है, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे एनालिस कर दूंगा, एनालिस होने में हल्का सा टाइम लगेंगे यहाँ पे, तो पहले क्या करेगा इसकी ये जो मैस है तो मैस जनरेट करेगा ये पूरा प्रॉपरली, इसका जो मैस है वो जनरेट करेगा, तो उसको थोड़ा सा होने देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाना पड़ेगा मुझे, उसको हम होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, उसको हम पॉज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे तो उसको हम होने देते हैं। तो दोस्तों जिसको भी क्लास लेना है डिटेल में तो मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है, तो इस तरीके से पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लास्टिक मैनुअल सीख लो, फिर आप मोल्ड विजर्ड सीख लो, फिर मोल्ड फ्लो सीख लो, ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट्स है, तो सीरियल वाइज आप सीख सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए अलग रेट है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग रेट है, बेसिक्स का भी है, एडवांस का भी है, और जो मॉड्यूल कराते हो वो आपको प्रैक्टिकल मॉड्यूल कराऊंगा, और जो भी मॉड्यूल कराऊंगा इवन आप फोटो देखोगे लाइव फोटो की बनने के बाद ये मोल्ड है, T0 शॉट ये है, मोल्ड ये है, तो इस तरीके से कराऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो थोड़ा सा यार टाइम लगेंगे, होने रहते हैं, तो अभी मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अभी फिलहाल एक सीट खाली है, तो होपफुली हो जाएगा स्टार्ट कल से 1 तारीख से। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सी पार्ट जो है थोड़ा सा टिपिकल है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5% इसको होने रहते हैं, तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों फिनिश हो गया, बहुत टाइम लगता है फिनिश होने में, लगभग 20-25 मिनट आपको लग जाएंगे, डिपेंड अपन योर मॉडल। तो अभी अपने को क्या करना है, एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस में जाने के बाद आपको जो गेट्स है वो गेट्स को देखना है कि गेट जो है प्रॉपर लोकेशन में है, सारा चीज़ एक बार चेक कर लो आप रफली। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, देखिए अब अपने को क्या देखना है, जितना भी आपकी जैसे कि मोल फ्लो आपका जो पहले आने रहते हैं फिर बताता हूँ मैं, जो मेरा भी मेल फ्रंट टेम्परेचर है, उसके बाद आपकी गेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप यहाँ पे एक बार एनालाइज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से जो आपके फीलिंग होंगे तो आप बेसिकली जैसे पूरा फीलिंग होने रहता है आपको इसके अलग अलग पार्ट दिखाना है, जैसे 25% में कितना फीलिंग हो रहा है, 55% 50 में कितना फीलिंग हो रही है, 75 में कितना हो रहा है, 95 में फीलिंग हो रहा है, 100 में क्या टाइम लग रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ एक बार आपको देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे फीलिंग जल्दी हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे आप डॉग हाउसिंग वगैरह है तो यहाँ पे फीलिंग टाइम जो है ज़्यादा लगेंगे थोड़ा सा, देख लो इस तरीके से फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी दोस्तों देखो ये मेरा हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ देखना है मेरा जो है एयर ट्रैप कहाँ का हो रहा है। देखो एयर ट्रैप यहाँ हो रहा है, जहाँ पे आपको एयर ट्रैप हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिंग देना है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिंग देना है, इस तरफ से वेंटिंग देना पड़ेगा, यहाँ वेंटिंग देना पड़ेगा, यहाँ एक वेंटिंग, यहाँ वेंटिंग देना, यहाँ वेंटिंग देना पड़ेगा, यहाँ पे दो वेंटिंग देना पड़ेगा, घर में दो वेंटिंग देना पड़ेगा। तो
जहाँ पे एयर वेंटिंग हो रहा है प्रॉपर आपको वेंटिंग देना पड़ेगा, और कहीं पे मान लो यहाँ पे होल्स वगैरह होता है, यहाँ पे मेटेरियल कम होता है तो यहाँ पे भी वेंटिंग देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है शॉर्ट फिलिंग का पंगा होता है क्योंकि उस एजेस में फिलिंग नहीं हो पाती है। तो हमेशा वेंटिंग का प्रॉपर यूज करना है आपको। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तभी भी मोल्ड फ्लो करते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि किस तरह आपके एयर बॉयज का चांस है, तो एयर ट्रैप होने का चांस है। एयर को अपना रिलीज करना पड़ेगा तभी आपकी जो प्रेशर सही तरीके से मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी वेल्डिंग लाइन कहाँ आ रही है। वेल्ड लाइन देख पा रहे हो, जहाँ होल्स होगा वहाँ पे वेल्डिंग आएंगे आएंगे, आपको पता है। तो ज़्यादा वेल्डिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब परमिशेबल है वो भी, है ना। यहाँ हल्का हल्का से आएंगे, जहाँ पे होल्स होते हैं क्या होता है मेटेरियल फ्लो होती है ना, तो यहाँ से भी फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, तो इस पार्ट में मीट करेगा, तो वहाँ पे वेल्डिंग आएंगे आएंगे, होल्स में होता ही है वो, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो होल्स में आएंगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके गेट कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। गेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि सेंटर से प्रॉपर तरीके से गेट फ्लो हो पा रहा है कि नहीं, मतलब जो मेटेरियल फ्लो हो रही है तो गेट सेंटर में है या नहीं है, वो आपको देखना होता है गेट कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। जो प्रोपर्शन क्या होता है, मेल्टिंग का पॉइंट से इक्वल होता है कि नहीं, रेशियो होता है, वो होता है। उसके बाद है प्रेशर डब। प्रेशर डब में क्या होता है, देखो प्रेशर डब होता है जहाँ पे मेटेरियल होती है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बना रहता है, लेकिन जो इनिशियल जो लास्ट एजेस होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उसके चक्कर में क्या डिफ्यूजन आते हैं, कितना प्रेशर डब होता है उसका भी आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा जो है प्रेशर ड्रॉप क्या है, यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में मेरा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा यहाँ पे डॉग हाउसिंग वगैरह का भी है, मेरा मेटेरियल ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर हल्का सा ड्रॉप हो रहा है। प्रेशर ड्रॉप वगैरह के लिए तो उसके भी वेंटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, है ना। तो उसके बाद जो है देखो प्रेशर ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ ना तो उसमें बहुत सारा फैक्टर आता है, ठीक है। बहुत सारा फैक्टर इन द सेंस क्या होता है, मैं एक बार आपको रफली समझा देता हूँ क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ चीजें पता लग जाएगा, तो मेरा प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। देखो एक तो जो प्रेशर डब होता है इसको हम मिनिमाइज करने के लिए हम रनर में भी काम कर सकते हैं, जो मेरा रनर होता है, तो अगर आपकी रनर की जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो एक आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, जो मैक्सिमम प्रेशर होता है ना विथ रनर के साथ और मैक्सिमम प्रेशर विदाउट रनर के साथ, तो मैक्सिमम प्रेशर है विथ रनर के साथ और मैक्सिमम प्रेशर विदाउट रनर है, जो डिफरेंस होता है ना वो रनर का होता है प्रेशर ड्रॉप। तो ये पूछता है रनर का प्रेशर ड्रॉप कैसे निकालते हो, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपका रनर का प्रेशर ड्रॉप आप निकाल सकते हो। बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप होता है ना तो इस वाली जो बाउंड्री एरिया होते हैं वहाँ पे होता है, ऑब्वियसली होंगे ही, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा आएगा मोल फ्लो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस जैसा, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेल्डिंग लाइन को मैं हाइक कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा मेल फ्लो टेम्परेचर है तो उसका कितना है, तो मेरा यहाँ पे देखूंगा मैं, सबका अपना अपना काम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे आ रही है, ठीक है, कहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेटल भी ज्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज टेम्परेचर क्या है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ब्रीफली बताया था, फ्रोजन लेयर रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसलिए बताया था फ्रोजन लेयर आपको पता होना चाहिए क्योंकि जहाँ पे मेटल ज्यादा होगा तो उसमें ये महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम कूलिंग टाइम का महंगा पड़ता है आपको, कितना कूलिंग टाइम होना चाहिए, क्या प्रॉपर होना चाहिए मैक्सिमम फ्रोजन में। इसमें आपको ये भी देखना है कि कूलिंग चैनल कहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, कूलिंग चैनल का डिफाइन करना क्योंकि आपको इस एरिया में कूलिंग प्रॉपर करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे डॉग हाउसिंग वगैरह है यहाँ पे कूलिंग चैनल आपको देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। आपको बेसिकली जो प्रेशर ड्रॉप देखना है, ठीक है, फ्रोजन लेयर रेशियो देखना है और आपका टाइम, ये तीन चीज़ें आपको मेंटेन रखना है। इस तरीके से आप करोगे तो ये आपको प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस तरीके से आपको मोल्ड फ्लो करना है, क्या क्या पैरामीटर देखना है, ठीक है। बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20-25 मिनट में ख़त्म करूँ। बेसिकली इसका जो मैं जो क्लास लेता हूँ, इसके क्लास लगभग 1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट का होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पैरामीटर होती है, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं आपको फेस रिट्रैक्शन देखो किसी प्लास्टिक मटेरियल का तो वो क्या होता है, है ना, उसके बारे में डिफिनेशन देना पड़ेगा, उसको आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ होते हैं। अगर 20 मिनट वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आ जाए, कौन से फैक्टर क्या काम करता है, कितना क्या होना चाहिए, है ना। तो कोशिश करा मैंने आप लोग को समझ में आए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो जब भी आप मोल्ड फ्लो करते हो तो क्या क्या आपको जो पैरामीटर्स होता है वो आपको मेंटेन रखना है, सबसे पहले आप देखो जो भी पैरामीटर आपको मेंटेन करना है, सबसे पहले आपकी जो पार्ट है उसकी एक अलग से फोटो रखना पड़ेगा, पार्ट का नाम क्या है, कौन सी मेटेरियल यूज कर रहे हो वो रखना पड़ेगा, उसकी अलग से जैसे हमने थिकनेस का करा उसका थिकनेस का आप अलग से एक पीडीएफ बनाना है, एक जो पीडीएफ बनाओगे उसके अंदर थिकनेस के बारे में डिटेल देना है, कौन से एरिया में ज़्यादा थिकनेस है, ठीक है, उसकी प्लॉट बनाओगे आप। उसके बाद आप फीडिंग सिस्टम दोगे, फीडिंग सिस्टम का आप फोटो दोगे कि मैं इस तरीके से फीडिंग यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप मेटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह दोगे, फिर आप इसकी एनालिसिस शेपिंग बनाओगे, कितना इंजेक्शन प्रेशर रहेगा, है ना, कितना आपके फिलिंग टाइम रहेंगे, मोल्ड की टेम्परेचर क्या रहेगी, उसके बारे में आप एक
पीडीएफ में बनाओगे, उसके ऊपर लिखोगे जो भी है, उसके बाद आप अलग अलग फिलिंग स्टेजेस बनाओगे। जैसे 25% फिलिंग में मेरा क्या हो रहा है, 25% मेरा फिलिंग में कितने मेटेरियल फिलिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद 50% में कितना फिलिंग हो रही है, 75% में कितना फिलिंग हो रही है, 100% में कितना फिलिंग हो रही है, तो उसके ऊपर आप अलग से एक पीडीएफ बनाओगे उसके भी। उसके बाद हम देखेंगे जो मेरा फ्लो फ्रंट टेम्प्रेचर है, जैसे मेरा ये फ्लो फ्रंट टेम्प्रेचर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना फ्लो फ्रंट टेम्प्रेचर कितना आ रहा है, तो उसकी एक जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने में फिलिंग हो जाएगा, उसका एक आप अलग से पीडीएफ बनाओगे। जैसे फोटो बनाया, फोटो लेके भी सीख पा सकते हो आप। उसके बाद जो प्रेशर या बीपी स्विच ओवर होगा उसका बारे में देखोगे, प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, कहाँ पे कितना सीटें आ रही है वो देखोगे, वेल लाइन कहाँ आ रहा है, एयर ट्रैप क्या आ रहा है, पार्ट की वेट कितना निकल रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, एक्स वाई जेड में आप उसकी डिफ्लेक्शन देखोगे, पार्ट की डिफ्लेक्शन भी होगा ना, है ना, जो वॉल्यूमेट्रिक स्विंग कैसे होगा, जो भी डिफ्लेक्शन होंगे वो सब डालोगे। उसके बाद एक कंक्लूजन डालोगे, कंक्लूजन में क्या होगा पार्ट की, जैसे कि पार्ट की फ्लो कैसे चल रहा है, जनरेशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, अलग अलग अगर अलग अलग आप गेट प्रपोज कर रहे हो कि ये गेट की जगह आप वो गेट करो, तो कौन सा वाला गेट बेस्ट है उसके बारे में आप सजेशन दोगे। एयर ट्रैप अगर क्रिटिकल यूज हो रहा है तो आइडेंटिफाई करोगे, वेंटिंग देना सही है फिलिंग एरिया में, प्रॉपर वेंटिंग शो करोगे किस एरिया में वेंटिंग होगा, डिफ्लेक्शन के बारे में दोगे। तो ये आपको बेसिकली ये कंक्लूजन बना के आपको पीडीएफ को सबमिट करना, ठीक है, तो ये हो गए, इस तरीके से आपको मूड फ्लो करना है। आई होप आपको समझ में आया कि मैं सारा टॉपिक कोशिश करा कि आपको समझा पाऊँ, तो जो मेन टॉपिक है मैंने कवर करा, क्योंकि अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो ये आपको एक घंटे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक एक कंटेंट अगर हम मोड फ्लो करते हैं, क्योंकि 25-30 मिनट तो उसके एनालाइज होने में लगता है ना, मैसिंग होने में लग जाता है, तो चीज़ें टाइम लग जाता है। और अगर मैं हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दूँ, इसके बारे में प्रैक्टिकली समझाऊँ, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट सफिशेंटली ये जो कंटेंट है तो इस हिसाब से बेस्ट है आपके लिए, देखो आप 1.75 के आपको जो है क्या लग रहा है टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, तो यहाँ से आप पता लग जाएगा, ठीक है, तो मेरा फ्रंट टाइम लग रहा है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस मॉड्यूल में सीखना है, तो मेंशन नंबर मेंशन थे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव ऑफर वगैरह चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है और लिमिटेड लोगों के लिए है, क्योंकि मेरा बेस्ट तो चलता है और लिमिटेड चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।